बाद में आपको सीसीटीवी पढ़ाऊंगा, तो सीसीटीवी को क्लोज सर्किट टेलीविजन कहा जाता है, ठीक है, इसको सीसीटीवी को सर्विलेंस भी कहा जाता है। जो सीसीटीवी होता है उसको डीवीआर से कनेक्ट किया जाता है। जो सीसीटीवी होता है उसे हम किसी भी जगह की टाइम पर बैठ सकते हैं, उसकी उसको देखते हैं वीडियो के द्वारा मॉनिटर पे। जैसे कोई प्लेस है यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, 3-4 कैमरे लगे हैं, तो उसको डीवीआर से कनेक्ट करेंगे। और कोई दूसरी प्लेस है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर मॉनिटर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसी को सीसीटीवी कहा जाता है। तो सीसीटीवी टेक्निकल बेस पे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एनालॉग सीसीटीवी कैमरा, दूसरा होता है पीएसी आईपी सीसीटीवी कैमरा, तीसरा होता है एचडी सीसीटीवी कैमरा, चौथा होता है वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। जो एनालॉग सीसीटीवी कैमरा होता है ये सबसे ओल्डेस्ट वर्जन होता है सीसीटीवी कैमरा का, ठीक है, और ये ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बना है। द एनालॉग सीसीटीवी कैमरा इज टू द डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसको जो एनालॉग सीसीटीवी कैमरा है इसको डीवीआर या डीवीआर होता है, डीवीआर को बोलते हैं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, के साथ टेलीविजन लाइन के साथ टेलीविजन क्लाइंट से जोड़ा जाता है। जो डीवीआर होता है उसको कन्वर्ट करता है, जो एनालॉग सिग्नल आता है आगे से, एनालॉग सिग्नल ऐसे में आता है इस रूम में, ठीक है, तो जो एनालॉग सिग्नल को ये क्या करता है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डीवीआर का ये काम होता है। और उसके बाद जो डीवीआर से आगे मॉनिटर लगा होता है, तो मॉनिटर जो होता है सीसीटीवी जो चल रहा होता है उसको डिस्प्ले पे दिखाता है। और ये क्या है सबसे पुराना कहते हैं टेक्नोलॉजी है वीडियो रिकॉर्डिंग की, एडवांटेज ऑफ एनालॉग कहता है कैमरा। जो एनालॉग कैमरा होता है वो सस्ता होता है एचडी कैमरे से, क्योंकि ये ओल्डेस्ट वर्जन है। एनालॉग कैमरा कैन बी इंस्टॉल इजीली, और इसको होता है इंस्टॉल करना सबसे इजी होता है। एनालॉग कैमरा आर इजीली अवेलेबल इन स्मॉलेस्ट मार्केट, और ये मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कैमरा, तो इसकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो सबसे हाई डेफिनेशन कैमरे से कम होती है, ठीक है। जो एनालॉग कैमरा होता है 720 पिक्सल तक करता है कैप्चर करता है। मतलब हमको साफ नहीं दिखाई कैसे, उतना साफ क्लियर नहीं दिख पाएगा। और इस कैमरे में नाइट विजन ही होता है। अब है एच डी कैमरा, हाई डेफिनेशन कैमरा सीसीटीवी में, तो इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द एनालॉग कैमरा। जो एनालॉग कैमरा था उसके बाद क्या है हमारा एचडी कैमरा है, ठीक है। एचडी कैमरा आर हाई डेफिनेशन कैमरा दैट प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी वीडियो, इसमें जो एनालॉग कैमरा था उससे बढ़िया वीडियो आती है। द एचडी कैमरास आर करता है कनेक्टेड टू द हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसको भी क्या करते हैं हम जो एचडी कैमरा होते हैं इनको भी डीवीआर से कनेक्ट करते हैं पहले, उस बार फिर मॉनिटर पे देखते हैं कि क्या हो रहा है कैमरे में, ठीक है। और इसमें J+1 जो होती है केबल्स यूज होती है, J+1 या 2+1 या 4+1 केबल्स क्या होती है यूज होती है। हाई डेफिनेशन कैमरा सपोर्ट करता है जो इसमें का पिक्सल होता है 720 से लेकर 1920 पिक्सल होता है यूज। हाई डेफिनेशन कैमरास आ रहे हैं इसलिए अवेलेबल इन मार्केट, और ये कहते हैं मार्केट में मिल जाते हैं जल्दी। एडवांटेज ऑफ होता है एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एचडी कैमरा, पहले इसके एडवांटेज देखते हैं। तो एचडी कैमरा होता है इज एन एडवांस वर्जन ऑफ एनालॉग कैमरा, जो एनालॉग कैमरा था उससे बेटर है एचडी कैमरा। दिस कैमरा तो सपोर्ट होता है कलरफुल एंड नाइट वर्जन, जो एक कैमरा है ये तो कलरफुल और नाइट विजन को सपोर्ट करता है। वीडियो क्वालिटी ऑफ एचडी कैमरा इज क्लियर देन द एनालॉग कैमरा, जो एनालॉग कैमरा है इसकी जो वीडियो क्वालिटी मैंने बताया वो कि अच्छी होती है एनालॉग कैमरा से।
जो हाई डेफिनेशन कैमरा है वो सपोर्ट करता है क्या 720 से लेकर 1920 तक पिक्सल को सपोर्ट करता है, जबकि जो हमारा कौन सा एनालॉग कैमरा ओनली 720 पिक्सल को सपोर्ट कर रहा था। एचडी कैमरा कैन बीते इजीली कनेक्टेड होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, इसको हम इजीली कनेक्ट कर लेंगे इसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के साथ। जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एचडी कैमरा इज रिकॉर्डेड ओनली एचडी क्वालिटी, इसमें क्या एचडी क्वालिटी मिलेगी। डिसएडवांटेज ऑफ एचडी कैमरा, तो इसमें जो एचडी कैमरा आता है ये महंगा होता है किसे एनालॉग कैमरे से ज्यादा महंगा होता है, बस इसका डिसएडवांटेज है। अब आईपी कैमरा, तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फुल फॉर्म में आया जाता है आईपी सीसीटी कैमरा इज इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा, दिस इज अ डिजिटल कैमरा अलोंग विद इट, ठीक है। ये क्या है आईपी के साथ डिजिटल कैमरा भी होता है, ठीक है। इट इज स्पेशल थिंग होता है, इट वर्क करता है एंड इट मैं जैसे मैंने बताया कि ये कहते हैं डिजिटल के साथ आईपी भी होता है इसमें। इसको कहते हैं हम नेटवर्क ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करते हैं। इसमें मतलब क्या होता है जैसे मैंने बताया था जो एनालॉग और डिजिटल कैमरा होते हैं, तो यहाँ कैमराज होते हैं, ठीक है। उनके ये कहते हैं कोएक्सियल केबल होती है, उससे कनेक्ट करके डीवीआर से कनेक्ट करते हैं, डीवीआर से तक मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है जैसे हमारे पास बहुत सारे कैमराज हैं, आईपी कैमराज, मानिए बहुत सारे कैमराज हैं आईपी कैमराज, ठीक है, काफी कैमराज है। तो इनको हम बताए कैट 6 या कैट 5 केबल जो होती है उससे कनेक्ट करेंगे, उनको हम इथरनेट केबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे नेटवर्क स्विच होता लगा हुआ है जो इसके अंदर होता है, जो इसको बोलते हैं नेटवर्क रैकेट बोलते हैं, नेटवर्क रैक बोलते हैं, नेटवर्क रैक बोलते हैं। तो इसके अंदर सारे क्या लगे हुए नेटवर्क स्विच लगे हुए हैं। तो नेटवर्क स्विच ये काम करता है जो आईपी कैमरा से जो वायर आती है, ठीक है, कैमरा बहुत सारी वायर छोड़ जाती है, तो जो नेटवर्क स्विच होता है सारे वायर उस पर लगाते हैं, बाद में सिंगल वायर निकालते हैं। तो यहाँ से एक सिंगल वायर निकलती है और उसके बाद उसको एनबीआर से जोड़ते हैं, इस साथ डीवीआर यूज होता है, इस साथ एनबीआर यूज होता है। एनबीआर की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, इसके बाद यहाँ से मॉनिटर यूज होता है। तो ऐसे काम करता है। और जो आईपी कैमरा होता है इनको जो जो कहते हैं केबल्स होती है वो इंटरनेट केबल होती है, ठीक है। जो आईपी कैमरा आता है इसको कनेक्टेड टू द मेन का है, जैसे मैंने बताया कि इसको एनवीआर से कनेक्ट किया जाता है, एनवीआर फिर बोलते हैं नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर थ्रू अ नेटवर्क वायर। दिस इज द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द सीसीटीवी कैमरा, कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो एनालॉग कैमरा और एचडी कैमरा था उसमें आईपी नहीं था, तो ये थोड़ा एडवांस हो गया उससे। यू कैन फैक्टर्स करते हैं डिजिटल सीसीटीवी कैमरा इन पब्लिक प्लेस, आप इसको पब्लिक प्लेस में देख सकते हैं जैसे एयरपोर्ट वगैरह, रेलवे स्टेशन में बहुत जगह लगा हुआ है, बस स्टेशन होटल रेस्टोरेंट बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में लगा रहता है। एंड द पिक्चर क्वालिटी ऑफ आता है आईपी कैमरा इन फुल एचडी, ठीक है। और इसको हम फुल एचडी में होता है कहते हैं 4K में होती है इसकी। जो एचडी कैमरा था 1920 तक पिक्सल था इसका, कौन सा एचडी कैमरे का, जबकि जो आईपी कैमरा था इसके जो पिक्सल होता है 4K तक होती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जूम भी कर सकते हैं, कई बार इसको जूम भी कर सकते हैं। अरे जो आईपी कैमरा जो उनकी सबकी अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, उनको जब आप देखते हैं तो उनके नीचे कहते हैं इधर कैमराज में आईपी सबका अलग अलग आईपी एड्रेस लगा रहता है, जबकि जो एनालॉग डिजिटल होता है उनका नंबर से तक 1 2 3 4 नंबर से कौन कौन से कैमरा लगे, बट इन पे ऐसा नहीं, इन पे आईपी एड्रेस होगा सबका। जो थिंग्स आईपी एड्रेस होता है वी कैन देता है अच्छा एक्सेस होता रहता है आईपी कैमरा जो होता है रिमोट एक्सेस होता है एट अनदर लोकेशन। तो जैसे मैंने बताया कि इनमें सबका आईपी एड्रेस होता है अपना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द आईपी कैमरा, पहले इसके एडवांटेज देख लेते हैं। द वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी कहता है ऑफ आईपी कैमरा इज मच होता है क्लियर देन देता है एनालॉग सिस्टम कैमरा। तो जब मैंने बताया था कि जो एचडी कैमरा और एनालॉग जो कैमरा था उनकी जो होता है क्वालिटी थी
उससे ज्यादा इसकी कहते हैं आईपी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। जैसे मैंने अभी बताया गया 4K तक है पिक्सल में सपोर्ट करता है के जो आईपी कैमरा है कैन बी एक्सेस बाय द आईपी एड्रेस इन इंडिया। तो जैसे मैंने बताया कि आईपी एड्रेस को होता है एक्सेस करता है सबका अपना अपना आईपी होता है। तो इंस्टॉलेशन और बताया आईपी कैमरा डज नॉट रिक्वायर देता है मच चलता है नेटवर्क वायर। इसमें कहते हैं नेटवर्क वायर की जरूरत होती है ज्यादा नहीं होती कम नेटवर्क वायर की जरूरत होती है क्योंकि मैंने बताया था इसमें इसमें कहते हैं नेटवर्क स्विच लगा होता है। जब आप उसको देखेंगे नेटवर्क कहते हैं रैकेट को तो इसके अंदर बहुत सारे अंदर रखे हुए कहते हैं नेटवर्क स्विच रखे हुए हैं। अरे यार जैसे डब्बा है ना उसको बोलते हैं नेटवर्क रैक बोलते हैं उसको रैक। ठीक है तो इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क और रखे हुए हैं नेटवर्क स्विचेस उसमें बहुत सारे वायर्स हैं अंदर। तो नेटवर्क जो रैकेट्स है उसके अंदर DVR भी रख सकते हैं वाईफाई रख सकते हैं और कहते हैं नेटवर्क स्विचेस भी रख सकते हैं मास वगैरह रख सकते हैं उसके अंदर इसलिए बना रखा है इसलिए बनाए रखा रहता है। कहते हैं जो आईपी कैमरा होता है कलरफुल एंड नाइट वर्जन ये दिखाता है। अगर डिसएडवांटेज जो होता है आईपी कैमरा ठीक है जो आईपी कैमरा होता है और एनालॉग का जो डिजिटल कैमरा होता है आ रहता है इनसे ज्यादा कहते हैं कॉस्टली होता है। ठीक है और दूसरा कहते हैं इसका इंस्टॉलेशन जो कहता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि इसमें नेटवर्क स्विच को जोड़ना पड़ता है तो इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका इंस्टॉलेशन। अब है वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। जो वायरलेस सीसीटीवी कैमरा है उसको कहते हैं बेस्ट ऑन होता है ये आईपी वेव काम करता है साथ में इसमें कहते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज होती है। जो वायरलेस कैमरा है इसमें तो वायर यूज नहीं होती है। ठीक है और ये कहते हैं इसका अपना एक आईपी होता है और इसको होता है चलाने के लिए वाईफाई की देना पड़ता है। यू कैन आल्सो यूज दिस कैमरा है एज अ सिंगल कैमरा। इसको हम एक सिंगल कैमरे की तरह भी यूज करते हैं कि एक ही कैमरा यूज करना है उसको हम अपने फोन या मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो एस्ट्रो दिस का टाइप का कैमरा यू कैन डन नॉट करता है सेपरेट DVR इसमें DVR एनवीआर आता है एनवीआर की जरूरत नहीं पड़ती। वी कैन कनेक्ट देता है वायरलेस कैमरा टू आवर द मोबाइल थ्रू वाईफाई। तो इसमें क्या करते हैं कैमरे को भी वाईफाई देना पड़ता है और मोबाइल को भी नेट देना पड़ता है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा बिना केबल्स वगैरह के द्वारा वाईफाई के द्वारा अपने फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन पे देख सकते हैं। The wireless accessibility cameras are available in the market ranging कहते हैं इसके तो range होता है 2 megapixel से 8 megapixel तक होता है। अब है इसके advantage and disadvantage of the wireless accessibility camera। तो इसके advantage देखते हैं you can easily install these cameras at your home इसको तो हम अपने घर पे easily रहता है install कर सकते हैं अपने घर पे। ये जो होता है सर होता है इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरा फोन होता है वायरलेस होता है सीसीटीवी कैमरा इसका होता है अभी पीछे करते हैं। अगर कैमरा कैन भी देते हैं इसलिए कनेक्ट करते हैं तो देता है रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डर थ्रू द आईपी एड्रेस इसको हम कहते हैं एनवीआर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है इसके आईपी एड्रेस से दबाए में कैमरा करता है नॉट करता है डू नॉट रिक्वायर करता है सेपरेट स्टोरेज इसमें जो है स्टोरेज जरूरत नहीं होती है। ठीक है इसमें इसमें एसडी कार्ड आता है लगा सकते हैं हम। ठीक है तो इसमें कहते हैं सेपरेट स्टोरेज की जरूरत होती है। कहते हैं इसमें जो जो वीडियो होती है एसडी कार्ड में सेव होती है। दिस कैमरा आल्सो है जो है कलरफुल एंड नाइट वर्जन। ठीक है इस कैमरे का कहते हैं कलरफुल एंड नाइट वर्जन देता है। डिसएडवांटेज ऑफ द वाईफाई कैमरा द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ वाईफाई कैमरा आता है लास्ट होता है ओनली फॉर द 2 या 3 डेज। जो होता है वायरलेस जो कैमरा होता है इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ये 2 से 3 दिन तक रहती है क्योंकि इसमें एसडी कार्ड लगा होता है देयरफॉर रिकॉर्डिंग कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। तो एसडी कार्ड लगे होने की वजह से इसकी जो रिकॉर्डिंग है ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। इसमें क्या है मोड ऐप एक्सेस ऑफ वाईफाई कैमरे फॉर डिस्कनेक्टिविटी होती है। अबे डॉग कैमरा ठीक है इसकी जो होता है सेप होता है वो डोम सेप का होता है जिसको इसको डॉग कैमरा कहा जाता है। डोम मतलब होता है गुमट जैसे चर्च कहते हैं चर्च में यार क्या कहते हैं उसको गुमट ऐसा होता है कंपनी में डोम का नाश्ता है हाँ
झूमर मस्जिद के ऊपर रहता है, तो मस्जिद के ऊपर होता है बनावा, उसको गुंबद कहते हैं। हां, तो इंग्लिश में उसको गुंबद को डोम कहा जाता है। द एंगल ऑफ द दिस कैमरा द इज राइट, ठीक है, जो इसका एंगल होता है काफी चौड़ा होता है, तो ये जो चौड़ाई में दिखाता है चीजों को। देयर इज अ यूज फॉर द एंगल इन ऑफिस शॉप्स एंड होम्स, इसको आता है यूज कहां करते हैं, अपने ऑफिस शॉप एंड घर पे यूज करते हैं। ठीक है, दिस कैमरा इज यूज लाइक इंडोर, इसको हम बाहर यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कहता है सीसीटीवी कैमरा इज नॉट वाटरप्रूफ। ये कहता है कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, और इसमें जो टेम्परेचर और लाइट का भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे कहते हैं खराब हो जाता है जल्दी, इसलिए हम इसको बाहर यूज नहीं करते हैं, इसको घर के अंदर ही यूज करते हैं। ये कैमरा यहाँ लगा हुआ बाहर, जो इसमें लाइव है ना हमारी, इसके बाहर जो कैमरा लगा हुआ है ये डॉम कैमरा है, इधर प्रैक्टिकल में भी है। इसमें रोटेशन भी होता है डॉम कैमरा में। दिस कैमरा इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट रेंजिंग, इसका भी जो होता है पिक्सल होता है 2 मेगापिक्सल टू 8 मेगापिक्सल। 8 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल में कितना पिक्सल सर? पता नहीं, कंप्यूटर क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यूजर्स ऑफ डॉम कैमरा, ग्लास कीप्स अलाइट, मूव नहीं करता है ये वाला, मूव नहीं करता है, है? ये फिक्स है डॉम कैमरा, मूव जुट रहा है, अभी बताएंगे आपको आगे। जो डॉम सीसीटीवी कैमरा है आर यूज इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, हॉस्पिटल ऑफिस होम्स हाउस एंड शॉप्स में जगह है इसको यूज करते हैं। ये ऊपर रहता लगा, जहां भी देखेंगे जहां कहीं भी जाओगे तो ऊपर साइड रहेगा लगा हुआ। ठीक है, अब बुलेट कैमरा, ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा में कहता है दिस टाइप ऑफ द कैमरा इज टाइप फॉर होता है आउटडोर यूज, इसको हम आउटडोर में यूज करते हैं। ठीक है, द बुलेट कैमरा जो आ रहता है वाटरप्रूफ, ये कहता है वाटरप्रूफ होता है, जो डॉम कैमरा था वो वाटरप्रूफ नहीं था, इसको बाहर यूज नहीं कर सकते, पर इसको हम क्या है बाहर यूज कर सकते हैं। इसमें सनलाइट रेन आता है, इसका सनलाइट रेन का असर नहीं पड़ता है बुलेट कैमरे पे। ठीक है, दिस कैमरा लुक्स लाइक आता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, एंड दिस सीसीटीवी कैमरा आता है आवाज नहीं पता है बुलेट कैमरा, सिलेंड्रिकल शेप होने के कारण इसका नाम कहते हैं बुलेट कैमरा बोलते हैं। दिस कैमरा इज फुल एचडी होता है, फुल एचडी होता है एंड द कलरफुल एंड द हैज नाइट विजन कैमरा भी उसमें। ठीक है, तो ये नाइट को भी देख सकते हैं इसमें। The use of the bullet camera, this कहता है cameras are the use outdoor like the public the place at the intersection of the outside and outside the shops. इसको हम कहते हैं ज़्यादा भारी use करते हैं gates वगैरह पे, यहाँ पर ही side पे यहाँ use किया है। ये जो camera होता है लंबा image चीज़ें लेता है, मतलब ज़्यादा दूर तक दिखा देख सकते हैं इसपे, जबकि जो dome camera होता है उसमें ज़्यादा चौड़ाई तक देखते हैं, जहाँ हमको चौड़ाई की जरूरत होती है तो वहाँ dome camera use करते हैं, जहां हमें दूर तक देखना होता है हम ब्लड कैमरा भी यूज करते हैं। ए सी मार्ट आता है कैमरा, ये भी एक टाइप का है बुलेट कैमरा है। दिस सीसीटीवी कैमरा लुक लाइक जस्ट लाइक अ बुलेट कैमरा, ये बुलेट कैमरे की तरह दिखता है। ठीक है, दिस कैमरा इज आल्सो डिजाइंड होता है फॉर आउटडोर यूज, ये भी एक मैं कहा ना जैसे ये बुलेट कैमरा की तरह दे देता है, ठीक है, कहते आउटडोर, ये भी आउटडोर में ही होता है, इसके जो रेंज होती है 40 मीटर से 50 मीटर कैप्चर करता है। और ए द 1-2 तक है मैम लेंस का यूज होती है, ठीक है, ए 1-2 तक जो लेंस होती है इसमें टाइम यूज होती है, और जो सी तक सी मॉडल कैमरा होता है इसके जो हमें लेंसेस के चेंज करते हैं, ये जो ऐसे कैमरा है ऐसे सी मॉडल कैमरा है इसके हम लेंसेस चेंज करते हैं। ठीक है, और एक कहते कैमरा का क्रिस्टल क्लियर देता है वीडियो होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं अच्छी कहते हैं वीडियो देता है हमको, इसको हम जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका यूजर सनलाइट रेन आता है स्नो तो स्नो हैव नो इफेक्ट, तो इसमें तो है सनलाइट रेन और स्नो का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका कैमरा तो यूज होता है कंपनीज फैक्ट्री एंड वाटर वेयर हाउस इन स्नो एरिया, ये ज्यादातर स्नो एरियाज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पैंट टिल्ट करते जूम कर रहा है,
इसको हम कहते हैं पीटी शॉर्ट में पीटी जेट कैमरा भी बोलते हैं, पेन फिल्म जूम कैमरा को, दिस कैमरा टाइम्स विद 4 मेगापिक्सल से 108 मेगापिक्सल। एंड दिस कैमरा कहता है कैन बी रोटेट देता है इन एनी डायरेक्शन, इस कैमरे को हम रोटेट कर सकते हैं। आपको समझ रोटेट कैनाल, तो रोटेट कैनाल ये कैमरा भी होता है, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। पेंटेल देता है जूम कैमरा का ऑप्शन आर द अवेलेबल इन दिस, ठीक है। दिस कैमरा तक कैन भी है जूम करते हैं मेरे टाइम, इसको हम कहते हैं जूम भी कर सकते हैं, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं और जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैमरा आता है आल्सो भी आता है टॉर, इसमें एक टॉर मोड होता है, ठीक है, जिसको हमने आकर फिक्स कर दिया तो कैमरा ऑटोमेटिक रोटेट करेगा, ठीक है। अगर इसको मैन्युअली भी हम रोटेट करा सकते हैं, कोई इंसान बैठ के इसको रोटेट भी कर सकता है कंप्यूटर के द्वारा। यूज पीटी जेट कैमरा था आर यूज इन द सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड बसेस स्टेशन। जो ये पीटी जेट कैमरा होता है एक पाइप से टंगा होता है, साइड से पाइप से टंगा होता है और यूं तिरछे में होता है, वहां लगा रहता है यूं में, ठीक है। वो ये भी ऊपर यूज होता है पीटी जेट कैमरा, ठीक है। तो इसको हम रोटेट रोटेट वगैरह होता है तो इसलिए इसको ऊपर लगा देता है। अबे आई डेफिनेशन है गार्ड प्लस आता है सीसीटीवी कैमरा। दिस कैमरा इज स्पेशली डिजाइन होता है फ्रॉम नाइट, ये जो कैमरा है इसको स्पेशली डिजाइन किया है नाइट के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। दिस स्पेशल होता है थिंक अबाउट दिस कैमरा इज द इज दैट इट प्रोवाइड अ कलरफुल वीडियो इवन व्हेन द लाइट आर आता ऑफ एट नाइट। तो ये कहता है कलरफुल इमेज देता है अगर रहता है रात को अगर लाइट ऑफ हो। इट हैज अ सेपरेट एलईडी इंस्टॉल्ड इन इट, इसमें क्या एलईडी एलईडीज लगी होती है अंदर, ठीक है, जिसे कहते हैं कलरफुल व्यू देता है रात को अगर लाइट भी ना हो। दिस इज व्हाई द कलर रिकॉर्डिंग द इंडेक्स प्लेस द इवन एट नाइट, जिसके कारण ये कहता है रात को कहता है कलरफुल व्यू देता है। कैमरा में साउंड आता है कि क्या जिस कैमरे में माइक लगा होगा तो उस कैमरे में साउंड आएगा, माइक लगा है। और अगर आपको माइक चाहिए तो अलग से आप माइक लगा सकते हैं, अभी बताऊंगा आपसे, ठीक है। अभी इसमें ध्यान दीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। दिस कैमरा हैज बीन डिजाइन बाय पीसीबी प्लस कंपनी, यार कहते पीसीबी पीसीबी प्लस कंपनी द्वारा डिजाइन किया जाता है स्पेशली, सॉरी सीपी प्लस कंपनी द्वारा डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड सेंसिटिव कैमरा, दिस कैमरा इज स्पेशली डिजाइन फॉर द नाइट विजन, ये कहता है नाइट विजन के लिए होता है इंफ्रारेड, ठीक है, बिकॉज इट यूज होता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, इसमें होता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसको हम आईआर होता है रे भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कैमरा होता है एक होता है एब्सोल्युटली क्लियर एंड होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है पिक्चर होता है क्वालिटी इन दैट आई राइट, वो कहता है एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है पिक्चर क्वालिटी देता है, जबकि दिन में ये कहता है कलरफुल पिक्चर क्वालिटी देता है। वीआर होता है ड्यूरिंग डे टाइम, जिस सीसीटीवी कैमरा होता है द प्रोवाइड कलरफुल पिक्चर क्वालिटी, जो मैंने बता दिया आपको। अब है स्पाई कैमरा, तो इससे पिछले साल एक डीआरडीओ में क्वेश्चन आ रहा था कि जो सबसे छोटा कौन सा स्पाई कैमरा होता है, उसमें तीन चार ऑप्शन थे, डॉम कैमरा, ब्रॉड कैमरा था, एक ऑप्शन होता है एक स्पाई कैमरा था ऑप्शन में, हाँ इसको हिडन कैमरा भी बोलते हैं स्पाई कैमरा को, ये छोटी बटन के आकार जैसा होता है ना। स्पाई कैमरा आर होता है क्वाइट स्मॉल इन साइज, ठीक है, मेंशन में बता दिया छोटा होता है साइज में, देयरफॉर होता है कि स्पाई के सारे कैमरा के अंदर है भी इजीली हिडन, ठीक है, इसको ये इजीली हिडन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसको। वायरलेस होता है ये कहीं भी लगाते हैं, हां कहीं भी लगाते हैं, हां हिडन कैमरा होता है इसमें लगाते हैं जहां लग सकता है। दिस कैमरा आर मोस्टली कहते हैं दे यूज फॉर द सीक्रेट द मीटिंग एंड द बाय इंटेलिजेंस एजेंसी, एक आता है जो कैमरा होता है सीक्रेट मीटिंग ला रहता है इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा जाता है यूज किया जाता है। दिस सीसीटीवी कैमरा आर इजीली अवेलेबल इन मार्केट, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, इसकी जो रेंज होती है 300 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक मिल जाता है मार्केट में। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, पहले तो हमने जो कंपोनेंट होते हैं सीसीटीवी कैमरे में, पहले तो सीसीटीवी कैमरा चाहिए होता है एनालॉग और डिजिटल हो, ठीक है। डिजिटल कैमरा कौन से होते हैं, जो आईपी बेस्ड कैमरा होता है उनको डिजिटल कैमरा कहा जाता है, ठीक है। एनालॉग कैमरा कौन से होते हैं, जो एचडी कैमरा होता है ओल्ड वर्जन का कैमरा था उसको एनालॉग कैमरा कैमरा चाहिए, ठीक है। दूसरा चाहिए उसमें वीडियो रिकॉर्डर चाहिए होता है, जो
जैसे DVR और NVR हो गए, ठीक है, फिर चलते हैं सीसीटीवी वायर। तो सीसीटीवी वायर कहते हैं, इसमें यूज होती है, एक होता है कोएक्सियल केबल जो मार्केट में उपलब्ध होती है 2+1, जो सीसीटीवी वायर होती है मार्केट में कोएक्सियल केबल वो मिलती है मार्केट में 2+1, ठीक है, एक होती है 3+1 और एक होती है 4+1, इस रूप में मिलती है कोएक्सियल केबल। जो इथरनेट केबल होती है वो मिलती है Cat 6, Cat 5 और Cat 6 के रूप में। इसको मैं आगे बताऊंगा, वेट करिए, ठीक है। अब इसमें स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें हार्ड डिस्क की यूज होती है, ठीक है, और एक दूसरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको बोलते हम SSD, ठीक है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, हार्ड डिस्क में पढ़ाऊंगा, स्टोरेज डिवाइस वहां पर बताऊंगा, ठीक है। अब डिस्प्ले यूनिट, इसमें हम कहते हैं टीवी यूज करते हैं, जैसे हमने लाइव में देखा तो हमारे यहाँ क्या टीवी लगी हुई है, ठीक है, LCD टीवी हो, LED टीवी हो, ठीक है, मॉनिटर यूज करते हैं और मोबाइल फोन यूज करते हैं डिस्प्ले के रूप में, ठीक है। दो कनेक्टर होते हैं इसमें, BNC कनेक्टर, ठीक है, और DC कनेक्टर, ठीक है, DC जो कनेक्टर उसको बोलते हैं RJ कनेक्टर, ठीक है, और एक होता है RJ 545 कनेक्टर, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये वायरिंग है, कैसे कैसे वायरिंग होती है, तो मैं जैसे बताया था पहले कि पहले सीसीटीवी कैमरा होती है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा को तो मैंने बताया था इसमें 3+1 केबल होती है, 3+1 जो केबल यूज की गई है इसमें, ठीक है, तो जो दो वायर लगी है इधर आगे पावर के लिए, कौन से ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक वायर जाती है, ये जा रही है किसके लिए, पावर के लिए, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों वायर जाती है पावर के लिए, ठीक है। और जो ये ब्लैक वायर है ये जा रही है यहाँ से DVR में, ये है वीडियो की वायर, ठीक है, ये सारे कैमरों से ये ब्लैक वायर आ रही है, ये है वीडियो की वायर, ठीक है। जो DVR है यहाँ पर चैनल होते हैं गोले गोले, ठीक है, जितने जितने गोले होंगे, ठीक है, उतने यहाँ पर इसमें चैनल सेट हैं। जो DVR आता है मार्केट में उसमें 4 चैनल होते हैं, 8 चैनल होता है, 16 चैनल होता है, 32 चैनल होता है, ठीक है, मैक्सिमम ये आते हैं 8 चैनल 4 चैनल 8 चैनल 16 चैनल 32 चैनल। तो ये जो DVR है हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर, ये 8 चैनल DVR है, क्योंकि इसमें 8 कैमरा हम रेड करते हैं, ठीक है। अब कहा भी कौन करता है विशाल, तो ऑडियो के लिए यहाँ पर स्पेशल होता है, ठीक है, अगर कैमरा में ऑडियो नहीं लगा होगा तो वैसे ऑडियो की वायर है यहीं आती है कैमरा वाली भी, ठीक है। अगर आप स्पेशल ऑडियो प्ले लगाना चाहते हैं माइक्स, ठीक है, तो उसकी वायर यहाँ पर लगेगी, और एक ऑडियो आउट के लिए भी होता है, ठीक है, तो ऑडियो आउट के लिए ये वाला है, ठीक है, तो ऑडियो आउट अगर आप मॉनिटर में नहीं सुनना चाहते हो, अलग से स्पीकर लगाना चाहते हो, तो ऑडियो आउट के लिए भी इसमें ऑप्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑडियो आउट की वायर लगेगी स्पीकर की, ठीक है। और एक यहाँ पर आप BGA केबल लगा सकते हैं, BGA केबल से आप जो मॉनिटर हो गया या टीवी हो गई, ठीक है, उसमें आप कहते हैं वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और HDMI जो केबल होता है, जो सेक्शन होता है HDMI केबल होती है, तो HDMI क्या करता है, वीडियो के साथ ऑडियो भी दिखाता है, जबकि जो BGA होता है मतलब वीडियो दिखाता है, साथ ऑडियो नहीं आती है, ठीक है। अब है इधर USB में हम कहते हैं माउस को ऐड करते हैं, ठीक है, जो LAN जो है इसमें हम वाईफाई को ऐड करेंगे, जो LAN वाला पोर्ट होगा इसमें हम वाईफाई ऐड करेंगे, जिसे कहते हैं इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोवाइड होगा। दूसरा यहाँ पर DC पावर सप्लाई, जिसमें हम 12 वोल्ट के DC इसको देते हैं, ठीक है। एक दूसरा ये है जिसमें 7 लीटर है, ठीक है, और ये कहते हैं जो होता है जो दो सेक्शन है यहाँ पर, ये तो PTZ कैमरे के लिए होते हैं स्पेशल, कि आप पढ़िए हम वीडियो रिकॉर्डर। तो जैसे मैंने बताया कि वीडियो रिकॉर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है DVR, एक होता है NVR, ठीक है। तो जो वीडियो रिकॉर्डर होता है क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हार्ड ऑफ CCTV कहते हैं इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो कहते हैं हार्ड होता है, कहते हैं CCTV इंस्टॉलेशन का, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं जो वीडियो होता है उसको रिसीव करते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करते हैं वीडियो को DVR से, ठीक है, स्टोर करते हैं एंड रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इसके DVR में,
रिकॉर्डेज में कितना है हार्ड ड्राइव इसमें लगी होती है डीवीआर में, ठीक है, इसको जो वीडियो हम वीडियो आ रही है किसे सीसीटीवी कैमरा से तो डीवीआर है ना वीडियो फोटो दो प्रकार फर्क है प्रदेश में तक डिजिटल एंड नेटवर्क नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, ये जो है कहते हैं कहते सेम ही होते हैं डीवीआर और एनवीआर, ठीक है, इनमें कहते हैं 4 8 8 16 होते हैं चैनल्स होते हैं होते दोनों में, किसको नहीं आ रही है सबको क्यों आ रही है नहीं समझ नहीं आ रहा है जो केबल्स होती है दो टाइप की होती है, एक होता है कोएक्सियल केबल एक इंटरनेट केबल, जैसे मैंने बताया था दो टाइप की होती है, जो सीसीटीवी में होता है मैंने बताया था एनालॉग और आईपी बेस दोनों होते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था डिपेंडिंग ऑन केबल, और वो कहते हैं जो केबल्स होती है जो कोएक्सियल केबल होती है वो किस साथ लगती है एनालॉग और एचडी कैमरा जो मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको, जबकि जो इथरनेट केबल होती है वो आईपी कैमरा जो मैंने बताया था उसका लगती है, ठीक है, तो इथरनेट केबल मैंने बताया कि मार्केट में गेट फाइबर गेट 6 होती है, उनके आगे जो क्या होता है जब हम आरजे फुटबैक कनेक्टर को जोड़ देते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं इथरनेट केबल कहते हैं, ये जो कोएक्सियल केबल मैंने बताया था कि 2+1 में 3+1 में 1 होता है फेज न्यूट्रल, ठीक है, एक वीडियो की वायर होती है, और एक होती है ऑडियो की वायर होती है, माइक की सर देखिए भाई जो 3+1 में जो होती है केबल उसमें एक वायर होती है फेज की, एक होती है न्यूट्रल, ठीक है, एक होता है वीडियो की, ठीक है, और एक होती है ऑडियो की वायर, ठीक है, ये पूछा था ना उससे 4+1 में भी कहते हैं फेज न्यूट्रल वीडियो और ऑडियो होगी अरे वायर ऐसे होगी ऐसे होगी एक वायर ऐसे की जो अगर कोई इमेज कोई चीज काम ना करे तो उसे काम आती हो वायर वीडियो एक बार में चलता है जो वायर होती है ना यहाँ से जो वायर होती है उनको कनेक्ट करने के उसको बीएनसी कनेक्टर कहा जाता है, दो वायर होती है ना, तो ये मैंने कहा फेज न्यूट्रल की होती है, फेज न्यूट्रल की सप्लाई चला सप्लाई क्या होती है, और एक वायर आती है जो आती है जिसको हम कहते हैं डीवीआर कनेक्ट करता है वो वीडियो वाली वायर होती है, एक ही वायर होती है तो बीएनसी में दो वायर रहती है, अभी कोएक्सियल केबल को फाड़ देना हां उसमें तीन वायर होगी ये कहते हैं 3+1 आती है ये मिलती है मार्केट में 3+1 वाली तीन तीन एक तो चार वायर होंगे उसमें, ठीक है, तो केबल मैंने बताया था ये कि बीजी केबल होती है एक एचडीएमआई केबल होती है, बीजी केबल को मैंने बताया था आपको जो जो वीडियो का ग्राफिक ये दिखा रहा था उसको, ठीक है, ये थे बीएनसी कनेक्टर, ठीक है, बीएनसी कनेक्टर में दो का दो टाइप दो वायर है दो का यार एक ही वायर हो सिंगल जाता है ऊपर का भी जो रहता है वो वायर है दोबारा कनेक्ट है नीचे का वो सिंगल जाता है मैं ऊपर भी कनेक्ट करता हूं वो भी वायर है, ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्टर का यूज होता है कहते हैं कनेक्ट कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है जो बीएनसी कनेक्टर होता है उसको पता है कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है,
जो इथरनेट जो करता है कहते हैं कैट फाइबर कैट से जो कैबल है उसको RJ45 कनेक्ट किया जाता है। फाइबर ऑपरेटर यूज करते हैं कहते हैं जो RJ45 पे कनेक्ट होता है। RJ की फुल फॉर्म होती है रेजिस्टर जैक। तो RJ45 को बोलते हैं रेजिस्टर जैक कनेक्टर। ओके BNC मिलता है बोनेट नेल कहते हैं कौन सा प्लान कहते हैं ग्रेटर। ठीक है अब स्टोरेज डिवाइस तो सब स्टोरेज में क्या होता है जो DVR होता है और NVR होता है। ठीक है उसके अंदर हम होता है हार्ड डिस्क को स्टोर करते हैं पहले से लगी हुई थी लगानी पड़ती है हार्ड डिस्क अलग से स्टोरेज के। तो हार्ड डिस्क में कहता है स्टोरेज होता है स्टोर होता है कहता है सीसीटीवी कैमरा होता है फुटेज को हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ठीक है हम तो रिसीव करता है कहता है रिव्यू होता है रिव्यू रिव्यू देता है सीसीटीवी फुटेज। इसमें हम करते हैं जो इसके द्वारा हम के दोबारा मॉनिटर में जो रिकॉर्डेड वीडियो उसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें स्टोर होती है पहले से। ठीक है जो स्टोरेज वाई कोड होती है SSD इसको होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है जबकि तो है ये भी कहां स्टोरेज के लिए यूज होती है SSD। एप्लीकेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा। ठीक है तो इनका यूज होता है बार्स में होता है कैश में होता है गेमिंग में होता है स्टोरेज चैट में होता है होली साइट्स में होता है हॉस्पिटल में होता है नंबर प्लेट रिकॉर्डिंग होता है पॉकेट डिजाइन स्पेशल होता है लार्ज एरिया होता है रेजोल्यूशन एरिया में होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके साथ इतना। ठीक है ये बस इतना समझ आया आपको। एक बार मैं समझी बता देता हूँ क्वेश्चन पूछ लूँगा ठीक है। पहले सारे मैंने आपको सीसीटीवी वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है फिर मैंने इसके टेक्नोलॉजी के आधार पर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं चार प्रकार होते हैं उनके बारे में बता दिया। एनालॉग सीसीटीवी कैमरा होता है एबीसीसी कैमरा होता है HDCC कैमरा होता है वायरलेस सीसीटीवी कैमरा होता है। फिर मैंने एनालॉग सीसीटीवी कैमरा के बारे में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया था। फिर HDCC कैमरा था HDCC कैमरे के बारे में बताया था फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया था। ठीक है IPCCTV कैमरा के बारे में बताया था इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया था। फिर वायरलेस सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताया था। ठीक है फिर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया था। फिर ड्रोन कैमरा के बारे में बताया कि कैसे काम करता है क्या होता है। फिर बुलेट कैमरा के बारे में बताया था कैसे काम करता है कैसे कैप्चर करता है। फिर सेम माउंट कैमरा के बारे में बताया था। फिर पेन के जूम कैमरा के बारे में बताया था। फिर हाई डेफिनेशन होता है कार्डलेस कैमरा जो मैंने कहा है नाइट को यूज होता है। फिर इंफ्रारेड कैमरा होता है मैंने कहा इसको IR कैमरा भी कहते हैं। ठीक है इस वाइज जो कैमरा होता है सब कहा है सबसे छोटा कैमरा होता है और ये DR-DRON में आता है सीधा। ठीक है इनकी कंपोनेंट कैमरा के कंपोनेंट के बारे में कनेक्शन होता है बताया था मैंने ये भी वही है। ठीक है वीडियो रिकॉर्डर बताया था दो प्रकार करते हैं केबल्स बारे में बताया था। दो प्रकार केबल्स यूज होते हैं सिस्टम कैमरा में एक होता है कोएक्सियल केबल एक होता है इथरनेट केबल दो प्रकार केबल यूज होती है। ठीक है फिर मैंने कहा था वीडियो के लिए हम दो केबल यूज करते हैं या फिर BG केबल यूज करेंगे या फिर HDMI केबल यूज करेंगे। ठीक है स्टोरेज डिवाइस होता है दो प्रकार होते हैं एक कहता है हार्ड डिस्क होती है एक SSD होती है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लें मोहम्मद पेटी जेट कैमरा की फुल फॉर्म क्या थी नहीं आता आपने ध्यान दिया क्या क्यों दिया स्पीड चेंज थी। अच्छा कोई बता सकता है पेटी जेट कैमरा की फुल फॉर्म क्या थी पेटी जेट कैमरा फुल फॉर्म पेन किट जू पेन टिल एंड जूम कैमरा। अच्छा जो HD कैमरा होता है उसका पिक्सल कितना होता है 1920 1920 पिक्सल के लाइक कौन सी कैमरा यूज होती है
क्या करा सैटेलाइट में सैटेलाइट में फोर के पता नहीं यार आईपी कैमरा के तस्वीर में अभी कैमरा तो वायरलेस वाला वो कैमरा किस चीज का बना है ये जो सीसीटीवी में लगा रहता है वो कैमरा किस चीज से बना होता है प्लास्टिक का बना होता है नहीं प्लास्टिक का स्क्रीन होता है सीसी का वाला मेटल प्लास्टिक उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा ठीक है थैंक यू